हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपके कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं और उनमें आप ये पूछते हैं कि कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, या फिर मेरी इतनी रैंक है तो इस स्टेट में एडमिशन हो जाएगा या नहीं, मतलब इस कोर्स में एडमिशन हो जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, आज ही कुछ ऐसे सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा, जवाब नहीं बल्कि आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, तो ये देखिए, ये मैं आ गया हूँ पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल साइट पर, और इसमें सबसे नीचे हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिंक जो है वो अटैच हो गई है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2018। ओके, तो आप जो यहाँ से चेक कर सकते हो कि जो 2018 में काउंसलिंग हुई थी उसमें कितने कितने रैंक वालों को, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो, रिजर्वेशन वाइज चेक कर सकते हो कि किस किस कॉलेज में एडमिशन मिला था, किस कोर्स में कितनी रैंक वालों को एडमिशन मिला था। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें मैंने बहुत पहले वीडियो में बता दी थी, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ टाइम से ये लिंक जो है वो रिमूव कर दी गई थी साइट पर से, लेकिन अभी आ गई है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो इसलिए यार मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लिंक पर आपको क्या करना है, आपको पॉलिटेक्निक ऑफिशियल साइट पर जाना है। जाने के बाद जिसकी जो है gcup.nic.in, ओके, आपको पता होगा, इसके सबसे नीचे जाना है आपको। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक लिंक जिस पर लिखा होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2018। ओके, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बताऊँगा कि कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक मेरा नया चैनल भी है जिसका नाम है अपडेट फॉर एग्ज़ाम। अगर आपको कोई अभी तक अपडेट मिली हुई कैसे उस चैनल को चेक कर सकते हैं तो आप चेक कर सकते हो, वरना आप मेरे चैनल पर जाकर, हमारे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी मिलेगी, कम्युनिटी के बगल में आपको चैनल्स मिलेगा, उसमें जाना, तो मेरा नया चैनल मिलेगा उसको भी सब्सक्राइब करके रखना, उस पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ओके, तो अभी ये थोड़ा स्लो चल रहा है, नेट हो सकता है, वन मिनट। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए सिलेक्ट राउंड लिख रहा है, तो राउंड नंबर आपको पहला ही सिलेक्ट करना है। अब चार राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो चार राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कोई भी हिस्सा सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पहले राउंड में पहली बार काउंसलिंग होगी, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो ज़्यादा भी, लेकिन आप क्योंकि पहले राउंड की काउंसलिंग भी होनी है तो पहले राउंड का ही चेक करते हैं। ओके, तो आपको सिलेक्ट राउंड नंबर वन में आप पहला कर लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। देखिए, अब इंस्टीट्यूट में आप क्या करना है, आपको यहाँ पे बहुत जितने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हैं सबके नाम दिए हुए हैं और कोड वाइज भी दिए हुए हैं, तो आप इसमें से ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, या आप ओवरऑल देखना चाहते हो तो आपको ऑल क्लिक कर देना है। ओके, या फिर आपको अगर कोई भी, जैसे आपका कोई भी कानपुर का पॉलिटेक्निक हुआ या लखनऊ का पॉलिटेक्निक हुआ, किसी का देखना है, तो आप उसमें कॉलेज का नाम भी सर्च कर सकते हो। तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर दिया है, और प्रोग्राम आपका जो भी प्रोग्राम है इसमें आपको सभी प्रोग्राम सब मिल जाएंगे, जितने भी ए से लेकर के तक जितने भी ग्रुप हैं सारे प्रोग्राम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सभी ग्रुप का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आप एक भी कर सकते हो जो का आपका प्रोग्राम हो, लेकिन मैंने सब सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, ऐसे करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर सर्च हो रहा है अभी, तो थोड़ा अपडेट हो जाएगा, फिर मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। ओके, तो सबमिट कर देते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है नेट। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले सिलेक्ट किया हुआ था फर्स्ट राउंड, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ऑल, और उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ऑल प्रोग्राम। ओके, आप जो आपका मन का है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए रैंक इस हिसाब से थी। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, प्रोग्राम आपकी सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे देखिए जो ये रैंक लिखी हुई है ओपन, ये आपकी जनरल रैंक है, ये जनरल में गर्ल्स के लिए है, और ये जनरल में हैंडीकैप जो होते हैं फिजिकल उनके लिए है, और ये उसके बाद ये वाला आपका जनरल फ्रीडम फाइटर्स के लिए है, और ये EMP है, ये भी किसी तरीके का मुझे लगता है रिजर्वेशन कोटा होगा। ओके, और कुछ माइग्रेशन वगैरह ऐसे कुछ है वो होगा। और फिर आगे चलते हैं, ये आपका बॉयज़ के लिए है OBC, फिर BC गर्ल्स के लिए है, मतलब कि जो OBC में गर्ल्स आती हैं उनके लिए है, फिर इसी तरीके से आप आगे जाओगे तो हैंडीकैप के लिए है। ओके, और उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स, और फिर इसी तरीके का जो जितने सारे रिजर्वेशन कोटा हैं सब हैं यहाँ पे, आप SC देख सकते हो, SC गर्ल्स, इस तरीके से ST सब है। ओके, अब मैं आपको रैंक क्या बताता हूँ कैसे देखना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जनरल वाले हैं उनके लिए किस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में सिविल इंजीनियरिंग के लिए
63 से 1433 रैंक तक एडमिशन हुआ था। गर्ल्स में इतने रैंक तक हुआ था, आप ये रैंक चेक कर सकते हो। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रैंक साथ साथ लिखी हुई है। इस तरीके से आप लास्ट तक जो है वो चेक कर सकते हो कि किस रैंक, किस रिजर्वेशन कोटा में, मतलब कि किस कितने रैंक तक एडमिशन हुआ था। इस तरीके से ये था। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में कितने रैंक तक हुआ था। फिर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, क्योंकि मैंने जो है वो सभी कॉलेज और सभी प्रोग्राम सेलेक्ट किए हुए, इसलिए सारे आप दिखाई दे रहे हैं। जब आप एक ही कॉलेज और एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे तो इसमें थोड़े से दिखाई देंगे आप, तो आप आसानी से देख सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हो कि किस रैंक से किस रैंक के लिए कितने रैंक तक हुआ है जनरल में, और ऊपर आप रिजर्वेशन कोटे के हिसाब से देख सकते हो किस किस कैटेगरी में किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो इस तरीके से आप सभी रैंक और सभी कॉलेज के लिए चेक कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे कॉलेज के लिए खोल लिया है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये 2018 का है, लेकिन एक आपको अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि इतने रैंक तक इतने इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जो चीज़ें आप कमेंट में पूछते हो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ मेरे नए चैनल को भी सपोर्ट करना। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।